दिल्ली में झुग्गियों को हटाने को लेकर सड़कों पर बवाल जारी है। इस मामले में डीडीए के नोटिस के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़कर बीजेपी कार्यालय के सामने विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी। आम आदमी पार्टी नेताओं का आरोप है कि चुनाव से पहले बीजेपी ने जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा किया था, अब वही बीजेपी चुनाव के बाद झुग्गी तुड़वा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन दिल्ली में अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए डीडीए के नोटिस के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डीडीए नोटिस के खिलाफ बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में आपके कार्यकर्ताओं का जत्था बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यालय पहुँचने से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जबरन बीजेपी कार्यालय तक पहुंचना चाह रहे थे। इस दौरान पुलिस के रोकने के बावजूद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने वाटर कैनन और भारी पुलिस बल का प्रयोग कर आप कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। बता दें कि डीडीए ने दिल्ली के कुछ इलाकों में स्थित अवैध झुग्गियों को हटाने का नोटिस दिया था। डीडीए के नोटिस के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पिछले कई सालों में इन झुग्गियों में लोग रहते आए हैं, यही पले बड़े हैं और अब इन्हें यहाँ से भेजने की तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि सालों से झुग्गियों में रहने वाले लोगों को यही फ्लैट बनाकर दिया जाए। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल का वादा है कि जब तक हर झुग्गी वासी को अपनी झुग्गी के पास मकान नहीं मिल जाता, तब तक किसी भी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे।